अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। ईद का दूसरा दिन है आज। मेरा मुंह नीचे से नजर आ रहा थोड़ा। अब देखो, अब देखो, अब फिर बंद है। अस्सलाम वालेकुम जी फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आज है ईद का दूसरा दिन और हम लोग बस थोड़े बहुत से तैयार हो गए हैं क्योंकि बहुत ही बोरिंग हो रही है ये ईद। दूसरा दिन तो ज़्यादा ही बोरिंग है, सारा कुछ बंद है, कहीं जाने की समझ ही नहीं है। और आप लोग सुनाए आप, दूसरी ईद कैसी गुजरी है, दूसरा दिन। सॉरी मैं कहा भी सही नहीं बोला। ओके जी, तो अभी हम लोग वैसे ही बाहर जाने लगे हैं, कोई समझ नहीं है हम लोगों के हमने कहाँ जाना है। बेबी का बस मैंने फीडर रख लिया और बैग रेडी कर लिया, चलो चलते हैं। हम लोगों की गाड़ी ख़राब है तो हम लोग जा रहे हैं बाइक पर। हम जाएगा बाइक। ओके जी, आज होने वाली है बाइक की व्लॉगिंग। कोई हाल नहीं है मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लग गया मेरे हाथ से, बस कैमरा नहीं है, मेरा मोबाइल ही डेड था। मैं इसलिए मोबाइल नहीं लेकर आई क्योंकि मोबाइल की चार्जिंग ही नहीं हुई। तो ये देख लें, हमारी सारी आवाम जो है बाइक पर बैठी हुई है। ओ भाई, गाड़ी तुम्हारे ख़राब होने का शुक्रिया। हाँ, आगे जो है तीनों आवाम आगे बैठ गए। मैं किसी छोटा नज़र आ रहा है, छोटू इस ग्राउंड में रश चेक करें। ये सारी आवाम कहाँ से आई है? उफल्ला, इस ग्राउंड में हमारे ज़रा रश चेक करें। ये है मुगल आई हॉस्पिटल का ग्राउंड और हम निकल ही आए हैं। इतना ज़्यादा रश है, तोबा 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 हो गई है। मैं अपनी आवाम दिखाने लगी थी पर मैं टिट्टू को दिखा रहा हूँ। टिट्टू देखे सबसे आगे बैठा हुआ, दादा वो बन गए शीशे में नजर आ रहा है। ये देखे ज़रा मैं कितने कुछ जमाने बाद बाइक पर बैठी हूँ और मेरे बच्चे बाबा को कह रहे हैं कि व्हील उठा दो ताकि मैं पीछे से गिर जाऊं। हैं, सारे हंस रहे हैं, मैं गिर जाऊं पीछे से, सिनान में पीछे से गिर जाऊंगी अगर आप लोगों ने व्हील उठाई तो। बच्ची के बाल अच्छे लग रहे थे भाई, निकल के यही काम होता है हम लड़कियों का। ओहो, हम लड़कियां कहाँ से, सॉरी, हम आंटियों का। फलाने की क्या चीज़ अच्छी लग रही है, फलाने की क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मानी नहर पे प्लीज। कश्ती भी अब आने, देखो कश्ती, वो देखो बोट ऊपर को रखी हुई उन्होंने पीछे, खारिश कर। ये चेक करें इस बंदे को, बाइक पे भी खारिश। छोड़े, मैं करती हूँ, आप छोड़े छोड़े, आप मैं करती हूँ, छोड़ दें। ये देखें बाइक पे भी खारिश हो रही है। ओके जी, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मुल्तान रोड और ये ऑरेंज रेल लाइन हमारे साथ साथ ऊपर जा रही है। ऑरेंज रेल, बिस्मिल्लाह या अल्लाह मदद। मैंने ध्यान से आप बस बाइक चलाई यहाँ, पहले फान की बनाओ। अफान की बना रहे हो? मेरी ना बनाना, दूर करो दूर। अफान के मुंह की भी बनाओ, अफान के मुंह की। मैंने अफान के मुंह की एक मिर्ची भी सूखी। अब किसी की ऊपर तक बनाओ, ऊपर तक, मतलब ऊपर से भर करो ऐसे। अब ऐसे ऐसे कैमरा नीचे लेकर आओ, बस बस बस, ज़्यादा जमीन इधर सारी जमीन आ रही है, ऊपर ही करो कैमरे को, ऊपर करो, ऊपर की तरफ करो। अफान की बनाओ, अफान इधर, अफान की बनाओ, हमारे बनाओ बाबा की तरफ, दूर जाके, दूर जाके। मेरी भी है साथ, हम डंडी को, डंडी को बंदा दूसरी तरह करके, दूसरी तरह करके पकड़ते हैं किस तरह।
ओके जी, तो अभी हम आ गए हैं घर। ये है ईद का दूसरा दिन। मनी सिट हियर, बाबा मान। और हम लोग लेकर आए हैं सीवीसी का, नहीं दे दी ना, नहीं दे दी। और मेरे संडे जो है वो सारी पिघल पुघल गई है। और हम लोग, मैं इनका एक शवारमा लेकर आई हूँ, अरेबिक सीवीसी अरेबिक शवारमा। ओ भाई मुझे दिखाओ, मैंने टेस्ट तो करना कि है कैसी। सारी पिघल गई है, नहीं मुझे दे, मैं टेस्ट करूँ। ये मेरा शवारमा, बच्चे ने तो खाना नहीं, मैं ही खा रही हूँ। और आइसक्रीम मेरी सारी पिघल चुकी है, आइसक्रीम का। ओके गाइज, एसएबीसी की जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन शवारमा ओके है, कोई इतना ख़ास टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया। वैसे ओके है, 7/10 कह लें, ठीक है। ओके जनाब, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये सारे मैंने बच्चों को लगा लिए अपने साथ किचन में, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हम कहाँ जाएँ क्या करें। और ये ईद का आई थिंक थर्ड डे है, तो हम लोगों ने कहा चलें घर में आज थोड़ी बहुत कुकिंग करते हैं हम। सुबह अभी नाश्ता रेडी कर रहे हैं, मुझे नाश्ते की समझ में नहीं आती कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने सोचा है कि कुछ सैंडविच बनाते हैं, कुछ डिफरेंट किस्म के, कोई हेल्दी किस्म के। तो मैंने थोड़े से आलू जो है यहाँ पे 3-4 तकरीबन वो बॉयल किए हैं और ठंडे हो गए हैं ये। तो अबान को मैंने लगा दिया कि इनको छीले, और सीनान वहाँ बैठ के लहसुन का छिलका उतार रहा है। मैंने कहा चलो काम आ जाएगा, क्योंकि बच्चों को, और छुरी मैंने इसको दी तो ये, लेकिन मैंने इसको यही बताया कि आपने बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना। मैं बिल्कुल सर पर ही खड़ी हुई थी, एक्चुअली बच्चों को खुद भी समझ में नहीं आती हम लोग क्या करें, खेल खेल के भी वो लोग पागल हुए रहते हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा तरीका लगा कि मोबाइल देख देख के भी इतने तंग आ जाते हैं, हर वक्त कार्टून कार्टून। तो किचन में मामा मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मेरे साथ साथ काम में भी लगे रहेंगे, तो टाइम ज़रा अच्छा बढ़ जाता है। और बड़े अच्छे मज़े मज़े के वो क्वेश्चन करते रहते हैं और हम लोग साथ साथ गपशप करते रहते हैं। और छोटू जो है ये पोपू, ये भी हमारे साथ साथ ही रहता है। तो अच्छा, यहाँ पर जो मैं प्याज है क्यूब्स में काट लूँगी, क्यूब्स कह रही हूँ, जैसे हम ऑमलेट के लिए काटते हैं ना, कुछ इस तरह से मैंने प्याज़ों की कटिंग कर ली है। और एक ही मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने। तो यहाँ पे आलू जो हैं वो मेरे बॉयल हो गए हैं। तो अबान को शौक आ रहा था मामा मैंने ही मैश करने हैं, थोड़ा सा मैंने उसे मैश करवाया, बाकी ज़रा जनाब मैं अच्छे तरीके से इसको मैश करूँगी। और यहाँ पर साथ साथ वीडियो कॉल पर चल रही है, मामा और खाला के साथ बातचीत चल रही है। तो चलिए जनाब, एक फ्राइंग पैन ले लेना है आपने, और मीडियम फ्लेम मैंने रखा है, थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया है इसमें। और यहाँ पर मैंने प्याज, पहले जो कटे हुए मेरे पास प्याज था मैं उसको डालूंगी। और कोई भी फ्राई श्राई नहीं करने, मतलब कलर चेंज नहीं करना, बस 2-3 बार मैंने हल्का सा लाइट सा सोटे से करना है। तो इसको हम ज़रा 2-3 दफ़ा हिला लेंगे। और इसके बाद जब मेरा प्याज थोड़ा सा फ्राई होने लग गया, तो मैं यहाँ पर स्पाइसेस डाल रही हूँ, नमक, धड़ा मिर्च, लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, और ज़ीरा भी थोड़ा सा ना पिसा हुआ मसाला। आपने बस अपने स्पाइसेस अपने लिहाज से ही डाल लें, मेरे साथ बच्चे हैं तो मैं स्पाइस थोड़ा सा कम रखती हूँ ताकि बच्चे इजीली इनटेक कर सकें। अच्छा, मसाले मिक्स करने के बाद मैं जल्दी से इसमें जो मैश पोटैटो हैं हमारे ये ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं कि फिलिंग टाइप बना रही हूँ, जो मैंने अपने सैंडविच के अंदर लगानी है। तो बस अच्छे से हमने इनको मिक्स कर देना है और साइड पे कर देना है। यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने अंडों के लिए। मैंने नमक, धड़ा मिर्च, पिसा हुआ जो सूखा धनिया वो डाला है, थोड़े से पानी के अंदर इनको मिक्स करके। अब मैं यहाँ पर जो है 4 या 5 अंडे ले लूँगी, आप लोग अपने हिसाब से अंडे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4-5 सैंडविच बनाने हैं, तो मैंने 5 ही जो है अंडे ले लिए हैं 5। तो इसके साथ हम इसको अच्छे ज़रा मैश बीट कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक एक पैन लिया है, तो इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, और ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया था। तो मैं यहाँ पर ऑयल जो है वापस डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं ऑयल यहाँ पर वापस डालूँगी, क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, ये जो सैंडविच हैं मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किए हैं, ख़ुद ही अपना ज़ेहन लगा लगा के कि कुछ डिफरेंट सा मैं बनाऊं। तो इसमें जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैंने एक दो चीज़ें और सोची हैं जो अगर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ। अच्छा, मेरा पैन थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन अभी 2 मिनट में गर्म हो जाएगा। मैंने बस अंडा जल्दी डाल दिया। अच्छा, थोड़ा सा हमने पैन गर्म होने का वेट कर लेना है। अब ये मेरा एग जो है हो गया है, एग को अच्छे, अंडे को मैं जो है बीटर को अच्छे से फैला लूँगी, बीटर पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, इसको मैंने ज़रा सारी तरफ फैला लिया। अब इसके ऊपर 2 ब्रेड्स मैं रखने वाली हूँ। एक तो मुझे इन ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था, एक तो ये गलती होगी, लेकिन इट्स ओके, इसका जुगाड़ मैं लगा लूँगी। और दूसरा, मुझे ये मिक्सचर लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ी सॉसेज लगा लेनी चाहिए थी, या केचप लगा लेती, या मैं मेयोनेज़ लगा लेती, तो टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता। बस ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो मैंने डायरेक्ट ही ये मिक्सर लगा दिया इसके ऊपर, और पोटैटो का जो मैंने बनाया था
और ये ब्रेड हमने इस पर इस तरह से फोल्ड करनी है, लेकिन चूंकि मैंने ब्रेड बिल्कुल एकदम साथ साथ रख दी थी, उनमें स्पेस ही नहीं छोड़ी, तो ये ब्रेड उस पर डबल हो नहीं रही। और वहाँ पर जो बाबा हैं उन्हें मैंने बोला था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ भी लगा दूँगी, लेकिन वापस से वो हो ही नहीं रहा कद्दूकश, और बाबा का कोई बाहर आ गया, वो मानी बाहर चले गए। फिर मैंने ये सोचा जल्दी से सेंटर से इसको मैं कट करती हूँ और फिर ब्रेड को, दूसरे ब्रेड को आराम से इसके ऊपर फोल्ड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी इंशाल्लाह इसमें सॉसेस भी लगाऊंगी, और ब्रेड को हमने थोड़ा सा दूर दूर रख लेना है, और साइड वाले जितने अंडे शंडे नज़र आ रहे हैं इनको आपने रैप कर देना है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा बेटर वर्जन है एक और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडा डालना है और दो ब्रेड्स ऊपर रखेंगे, इसको ज़रा अंडे को फैला शैला लेना है, मतलब अंडे वाला बर्गर टाइप हम बना रहे हैं, लेकिन ये अंडे वाली ब्रेड है, अंडे वाली सैंडविच चाहिए। तो हाँ ये मुझे कितना दुख हो रहा है, मैं थोड़े से सॉसेस लगा रही थी, लेकिन अच्छा इस मिक्सचर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म का ड्राई सालन पड़ा हुआ है ना, मुर्गी का हो जाए, किसी भी किस्म का कोई सालन, वो भी आप लगा सकते हो बड़े आराम से, तो सैंडविच बड़े टेस्टी बनेंगे। तो मेरे पास क्योंकि कोई सालन वगैरह नहीं था, तो मुझे स्पेशली ये अलग से बनाना पड़ा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चीज़ भी ऐड कर दिया है, आप कोई से भी किस्म का चीज़ लगा सकते हो। तो इसके बाद जनाब ये वाला जो मेरा सैंडविच था ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा रेडी हो गया है। जनाब हमने दोनों तरफ से ज़रा अच्छे तरीके से इसको सेक लेना है, और यहाँ पर हमारा आराम से हम सैंडविच को निकालेंगे। और बान कोशिश कर रहा था चीज़ को क्रश करने की, तो मैं इसको मना कर रही हूँ क्योंकि हाथ पे ना लगा ले वो। तो यहाँ पर मैं इसको कट करके देखूँगी कि अंदर से चीज़ के जो शशके हैं वो किस तरह के दिखते हैं, और खुशबू तो बहुत ही टेस्टी आ रही थी और मज़े की आ रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, एक तो इजी पीजी हैं, जल्दी से भी बन जाते हैं और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आते हैं। और ये हो गई हमें हमारी यम्मी सी चीज़ रेडी। तो इसके बाद एक और जो सैंडविच मैंने रेडी किया है अपने लिए, मैं इसको कट करूँगी, और हमने नाश्ता इंजॉय किया। और जनाब बस आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जनाब व्लॉग हो जाता है ख़त्म। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना, अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हो तो लाइक का बटन आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना है, और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।